इंडिया कहता है ना बाप बाप है, वाकई यार इंडिया बाप बाप है। तेरा बाप आया। इंग्लैंड की टीम इंडिया के सामने ढेर हो गई, जीत ना सकी तो जश्न मनाया जाए। इंडिया की जीत और इंग्लैंड की हार, इंग्लैंड बढ़ गया। इंग्लैंड को बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से, अगेन हिंदुस्तान ने अप्रूव कर दिया, दे आर द बेटर साइड। ऑफ कोर्स भाई इंडिया जीता यार, क्या मिठाई खाओगे मेरे हाथ से? मिठाई खाओगे? नहीं नहीं, इंडिया जीतने खुशी पे मिठाई खाओगे? नहीं नहीं, मिठाई अंकल थोड़ी सी खा ले। नहीं नहीं, इंडिया के जीतने की मिठाई नहीं खाएंगे। लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। तो हिंदुस्तान की टीम ने ऐसा बजाया बाजा इंग्लैंड का कि वो ये कभी भूलेंगे नहीं। पहली बात तो सबसे पहले तो ये कहूंगी कांग्रेचुलेशंस इंडिया। इंग्लैंड टीम दे लुक आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म, और नहीं तो क्या। और इंडिया ने आज बहुत अच्छा विन किया यार, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया यार मैच देखने का। और जो इतनी अच्छी टीम है, इतनी पुरानी टीम है, परफॉर्म करती है, उसको ये हराते हैं ना, जब तो कसम से दिली सुकून होता है मुझे। गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आता है कि देख के यार। हाँ इंडिया, इंडिया जिसके बारे में लोग बातें करते हैं पाकिस्तान की, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म करता है यार, वाओ। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया टीम की फास्ट बॉलिंग, दे लुक ब्रिलियंट, दे लुक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीडर ऑफ द पैक बुमराह। डेफिनेटली आपको मैं बता दूं, इंडिया इस वर्ल्ड कप को ले जाने के मूड से आया है। हाँ तो फिरंगियों सुजिए सुजी, भारत अपने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर है, जहां पे भारत का सामना होगा साउथ अफ्रीका के साथ। इस वर्ल्ड कप में भारत की इस टीम को सिर्फ एक टीम हरा सकती है, और वो खुद टीम इंडिया है। सबको उन्होंने वन साइडेड हराया, ऐसे ही है। ट्रू ट्रू ट्रू, सारा और हर कंडीशंस में, हर कंडीशंस में रहा है। बॉलिंग कह लें जी, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग बैटिंग भी जबरदस्त कर रहे हैं, हर चीज भी अच्छी कर रहे हैं, सब चीजें उनकी तरफ जा रही हैं। इंडिया हमेशा की तरह जिस तरह जीतता आ रहा वर्ल्ड कप के सारे मैच, आज भी उन्होंने अपने मैच जीत गए। हर रोज एक नया हीरो, हर रोज एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, और ये है आज का, आज के दौर का इंडियन क्रिकेट, और ये रुकने वाला नहीं है। इंडिया आउटप्लेड देम इन एवरी डिपार्टमेंट। इंग्लैंड दो फॉट वेल, दे फील्डेड रियली ब्यूटीफुली, उन्होंने अपने आप को थ्रो इधर किया उधर किया, दे ट्राइड, बट इन द एंड दे वर अगेंस्ट द बेस्ट साइड इन दिस वर्ल्ड कप। इंडिया ने ना इंग्लैंड की फाड़ के रख दिया। अरे भाई सेल्फलेस कैप्टन है रोहित शर्मा, अपनी जात के लिए नहीं खेलता, क्या बात है यार, क्या बात है यार। इंग्लैंड जैसी टीम वर्ल्ड चैंपियन रही हुई है, धोबी बचार किया है ना यार, की यकीन मानो आउटस्टैंडिंग इंडिया की बॉलिंग पे। आई मीन इंडिया ऐसी टीम वर्ल्ड कप में, मुझे इनकी परफॉर्मेंस देख के, कॉन्फिडेंस देख के, सपोर्ट देख के, मुझे 92 का वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम याद आ गई। वो पहले 7-7 मैच convincingly, सिंगल हैंडेडली न्यूजीलैंड में सारी टीमों को उन्होंने हराया था। That's where India is looking like right now. Complete control. रोहित शर्मा जब मारता है ना बेटा, वो फिर बॉलर भूल जाता है। रोहित शर्मा जब मारता है ना, मारता है, फिर बॉलर जो है ना, बॉलर जिसको पढ़ रही होती है, वो भी रोहित शर्मा की बैटिंग को देखता है कि ये हो क्या रहा है। देखिए अगर विराट कोहली दुनिया में एक है ना, तो रोहित शर्मा भी दुनिया में एक। Surya Kumar Yadav innings, Moeen. Again, I mean, Sky is just another phenomenal player. And आप ये जरा देखें, बड़ी interesting बात ये है कि वो ऊपर से अगर failure होता भी है, तो पीछे कोई ना कोई जरूर है in the middle order. उनको पता है कि यार अच्छा चलो, okay, no problem. पीछे से कोई संभाल लेगा। बात तो सही है। देखिए हमें लर्न करना चाहिए, मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, आप उनकी टीम प्रूफ करती हुई दिखाई दे रही है, ये बढ़िया था। अच्छा अब ये बात छुपने वाली तो थी, इंडिया ने इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया, छनकना बजा दिया, बाजा बजा दिया। इंडिया ने ना इंग्लैंड की फाड़ के रख दिया, तो जश्न मनाया जाए। और इंग्लिश मीडिया ने एज यूजुअल रोना शुरू कर दिया। इंडिया जो इस वक्त हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, सबसे बेस्ट टीम अभी तक साबित हुई है। तमाम जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं अब तक की अनबीटेबल टीम है इंडिया। Yes. पहले नंबर की ये टीम है। आई कंग्रेचुलेशन टू अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
इंग्लैंड वर्सेस कह लें कि इंडिया, इंग्लैंड पायनियर ऑफ क्रिकेट, जिसने क्रिकेट सिखाई है लेकिन उसको धोने में इंडिया ने कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ज्यादा सिखाती है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की ये टीम 2003 की रिकी पोंटिंग की टीम जैसी उड़ान उड़ रही है। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली ये मैच तो जीतना ही था, लेकिन जीतना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब जब सामने टीम लंबी पसकी मारेगी उस टीम का घमंड तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये इंग्लैंड की आदत है कि वो हमेशा मैच से पहले बड़ी पुस्की मारते हैं, मैच के बाद बहाने करते हैं। अब पता नहीं कि ये कौन सा बहाना बनाएंगे। बहाना तो कोई भी नहीं बनता इनका कि ये बहाना बनाएंगे, लेकिन सुझाई मस्त है हिंदुस्तान ने। लेकिन मुझे अगर किसी के लिए बारे में अगर कुछ बोलना है तो मैं विराट कोहली के लिए बोलना चाहूंगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, उससे पिछले वीडियो में बोला था विराट कोहली की परफॉर्मेंस के बारे में, तो बहुत सारे भाई लोग मेरे को आगे पेल गए। ठीक है भाई लोग, तुम सही थे, अब बताओ मैं कहां गलत था। मैंने तो ये बोला था ना विराट कोहली का जो बैटिंग ऑर्डर था पहले उसको वहीं पे शिफ्ट कर दीजिए, तो हो सकता है कि विराट कोहली की रन मशीन से वापस रन निकलने चालू हो जाए। 7 मैचों में 74 रन बनाए पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, फिर भी भारत सारे मैच जीती है। ये तो क्या है, सिर्फ विराट कोहली पे डिपेंड नहीं है भारत की टीम, हर खिलाड़ी अपना योगदान करता है। अगर विराट कोहली पे जैसे पाकिस्तान की टीम बाबर आजम पे टिकी हुई है, अगर भारत की टीम भी सिर्फ विराट कोहली पे होती तो हमारी नैया तो कभी की डूब चुकी होती। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का, आप भी बहुत बड़े फैन हो। जब आप मुझे तंकीद कर रहे थे तो मैं तंकीद करने वालों को बोल रहा हूँ, तो अब भी मुझे बता दो क्या मैं गलत था। अब भी फाइनल मैच बचा हुआ है, विराट कोहली को तीसरे नंबर पे खिलाओ, जयसवाल या पंत से ओपनिंग रोहित के साथ, बाकी टीम मैनेजमेंट अच्छे से जानता है। इस टाइम इंडिया अनबीटेबल है, किसी से भी एक मैच भी नहीं हारी, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कोई सीरीज हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप का कोई भी मैच हो, तो भाई वो एक भी मैच नहीं हारे इंडिया। जब जहां तक मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा अनबीटेबल रह के T20 वर्ल्ड कप जो है ये जीतेगा और हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो आई थिंक अब ये जो इंग्लैंड है या इंडिया है, तो इंडिया ने भी आई थिंक सम टाइम, ये जो हम बार बार बात करते हैं इस प्रोग्राम में, कभी कभी ना अपने बेंच को तैयार करने के साथ साथ आपने इन चीजों को भी डेवलप करना होता है कि यू नो जहां पे आप चोक करते हो उसके बार बार अपने आप को प्रेशराइज करो, चैलेंज करो अपने आप को। जब आप अच्छा कर रहे होते हो ना, कहते हैं ना अच्छा मैच जीतो ना, तो उसके अंदर अच्छा कप्तान और अच्छा कोच फ्लॉज ढूंढता है कि यहां पे हमने गलतियां की, ये और भी इम्प्रूव कर सकते हो। इंग्लैंड को कैसी मात दी है, मजा देखने का आपको? मैं कह तो चस आई है जो उन्होंने किया है, और इंडिया के मैच देखना ही नहीं चाहिए मैं बताऊं, क्योंकि हमें पता जीतना किसने, वो वन साइडी दी रहती हैं हर दफा, जब भी रहती हैं इस वर्ल्ड कप में, और उन्होंने हिस्ट्री बना देनी है 1990s के बाद, ये हिस्ट्री हो जाएगी कि इंडिया पहली दफा उसके बाद ग्रुप स्टेजेस तक अनबीटन जाएगा। बाकी यार खुदा का वादा है, वर्ल्ड कप तेरा आखिरी है, तूने कहा था ना कि यार मैं पाकिस्तान का कोच बनूंगा, तो मैं पाकिस्तान को सिखाऊंगा, तेरी मेहरबानी विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये ना इसके बाद तू कोच बन के ना सिखा दे पाकिस्तान को यार, इतनी आउटस्टैंडिंग यार, इतना प्रेशर को हैंडल करना, बाकी तेरे जैसे बंदे एवं नहीं, तेरा नाम इंडिया ने डाला, पूरी दुनिया ने डाल दिया हिट मैन, सब काबू मैन। अरे भाई रो हिट मैन शर्मा की, जिसने ये इनिंग्स वहां पर अपनी आंखों से लाइव ग्राउंड के अंदर देखी होगी, ठंडी ठंडी हवाओं में गर्मा गर्म इनिंग्स, माई गॉड व्हाट एन अमेजिंग, अरे भाई सेल्फलेस कैप्टन है रोहित शर्मा। और इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शिकायत अगर मुझे किसी से है तो वो है ICC से। ICC ये वर्ल्ड कप कराने में पूरी तरीके से नाकाम हो गया, इसका एक पार्ट इन्होंने कर रखा अब USA में, जहाँ पे क्रिकेट की पिच ही नहीं है, जहाँ कोई क्रिकेट जानता ही नहीं है, उनको क्रिकेट से मतलब नहीं, किराए की टीम खेल रही है क्रिकेट की, अमेरिका वालों को नहीं पता कि उनकी कोई अपनी टीम भी होगी, वहाँ पर पिछे भी ऑस्ट्रेलिया से शिप करके अमेरिका लेके आए, और वो भी पिछे कोई काम की नहीं, T20 मैचों में टेस्ट मैच के रन बन रहे, क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है इन सब चीजों का। और फिर वहां से यहाँ आए तो बारिश का इंतजार हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, जब इतने बड़े इवेंट करवा रहे हो तो कम से कम ये वेदर तो देख लेना चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली तो तुम्हें पता ही रहता है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस टाइम ये शेड्यूल बना रहे उस समय मौसम कैसा रहेगा। खैर ICC से मुझे शिकायत है, लेकिन इंडिया टीम से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कप आने वाला है। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।